बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ योर इस्लामियत टीचर ज़रमीना इमरान फ्रॉम एलाइड स्कूल गुलबर्ग एंड बड़ापीर कैंपस पिशावर। पिछली आयत में हमने सूरह इनफाल की इब्तदाई चार आयत को पढ़कर समझने की कोशिश की। आज हम अपने लेसन का आगाज़ आयत नंबर 5 से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अखरजा का, जैसा कि निकाला आपको रब्बू का आपके रब ने, मिम्बैती का आपके हक आपके घर से, बिलहक की हक के साथ, व इन फरीकम मिनल मुमिनीना, और बेशक एक गिरोह मुसलमानों में से, लकारी हूँ अलबत्ता नागवारी महसूस करता था। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को उनके घरों से हक के साथ निकाला। हक के साथ यानी एक ख़ास मकसद के साथ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनके घरों से निकाला। तो यहाँ किस ख़ास मकसद या हक की बात हो रही है, इसे समझने के लिए हमें ग़ज़वा बदर के बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है कि ग़ज़वा बदर के क्या असबाब थे, क्या वजूहात थी कि ग़ज़वा बदर पेश आया और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ग़ज़वा बदर जो है ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में पेश आया, और इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है क्योंकि ये हक और बातिल के दरमियान पहली बाकायदा जंग थी, यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहली बाकायदा जंग थी जिसके बाद जो है इस्लाम ने कुफ्र को शिकस्त दी और मुसलमान जो है वो फतायाब हुए और सारी दुनिया में मुसलमानों का चर्चा हुआ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुसलमानों को कुफार ने उनके घरों से निकाला, मक्का से हिजरत करने पे मजबूर किया, उनके घर बार कारोबार मालो दौलत सब कुछ मक्का में छोड़ के मुसलमानों ने खाली हाथ हिजरत करने पे मजबूर हो गए कुफार के हाथों। तो जब मुसलमान मदीना आ गए तो इन्हें यहाँ भी डर लगा रहता था कि कहीं काफिर यहाँ भी आके हम पे हमला ना कर दें। इसी तरह काफिर भी डरते थे कि कहीं मुसलमान जो हैं अब उनकी क्योंकि तादाद में इजाफ़ा हो गया है, मदीना में और मुसलमान भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर आके मक्का पे आके हमला कर दें। तो दोनों ग्रोह जो हैं आपस में एक दूसरे के हालात से बाखबर रहने के लिए अपने कुछ लोग आस पास के इलाकों में भेजते थे ताकि वो एक दूसरे के हालात से बाखबर रहें। इसी तरह एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि मक्का से अबू सुफियान, जो कि मक्का का एक बहुत बड़ा सरदार था, तो अबू सुफियान तिजारत की गर्ज से शाम गया है। तो जब इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि अब उसका काफ़िला जो है वो शाम से वापस मक्का जा रहा है, और एक तो उस काफ़िले में फिर ये भी ख़बर मिली कि 50,000 दिनार की मालियत का सामान उसके काफ़िले में है, और वो लोग 40 से 50 की तादाद में ही वो लोग हैं उनके पास, क्योंकि वो तो सिर्फ तिजारत की गर्ज़ से गए हैं तो ज़्यादा कोई असला वसला भी ज़्यादा नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया कि इन्होंने हमारे घर बार लूटे सब कुछ, तो क्यों ना अब हम भी जाके इस काफ़िले को जो है वो लूट लें रास्ते से ही और ये मक्का ना पहुँच सके। तो मुसलमानों में ज़्यादातर जो मुसलमान थे उन्होंने यही राय दी कि ठीक है, इन्होंने अब इनसे बदला लेने का ये बेहतरीन तरीका है कि हम भी इनसे ये लूट लेते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक हक के साथ मकसद के साथ निकाला था। मुसलमान क्योंकि चाह रहे थे, और दूसरी तरफ फिर अबू सुफियान को भी क्योंकि वो भी बेगम नहीं था, उसको भी वो भी बेफिक्र नहीं हुआ, उसको भी ये डर हुआ कि कहीं जो है हमने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया है तो अब ऐसा ना हो कि जब हम मदीना के पास से गुजरें तो कहीं मुसलमान मुझ पे हमला ना कर दें। तो उसने अपना एक कासिद को तेज़ रफ्तार घोड़ा दिया और उसे कहा कि तुम जल्द से जल्द मक्का पहुँचो और जाके अबू जहल को मेरा ये पैगाम दो कि मुझे डर है कि मुसलमान हम पर हमला ना कर दें, तो इसलिए जल्द से जल्द हमारी मदद के लिए पहुँचो। तो कासिद, जिसका नाम दमदम बताया जाता है, जब यह मक्का पहुंचा तो इसने चिल्ला चिल्ला कर अबू जहल को और मक्का वालों को बताया कि मुसलमानों ने अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले पर हमला करके उन्हें लूट लिया है, तो हमें जल्द से जल्द अब उनसे मुकाबले के लिए निकलना है। अबू जहल ने फौरन मक्का में ऐलान करवाया, तमाम उसके कबाइल के लोग जमा हुए और ये लोग तकरीबन 1,000 लोगों का लश्कर तैयार हुआ, जिनमें से सिर्फ 600 ने लोहे के लिबास पहने हुए थे। इसके अलावा उनके पास बेशुमार ऊंट और घोड़े थे। अच्छा, मुसलमान तो चूँकि वो निकले थे अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले को लूटने की गर्ज़ से, मुसलमान मक्का से निकले तो क्यों मदीना से निकले, तो इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा, क्योंकि जंग करने का तो उनका इरादा नहीं था, तो उन्होंने भी ज़्यादा असला वगैरह साथ नहीं रखा, ना उनके पास इतना था। तो मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। इसके अलावा जो है उनके पास सिर्फ 70 घोड़े और 8 तलवारें थीं।
ठीक है, तो मुसलमान ने सोचा कि हम जाके अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला आसानी से इस तरह से हम लूट सकते हैं, क्योंकि वो लोग 40-50 आदमी हैं। तो जब मुसलमान सफ़रा के मकाम पर पहुँचे तो उन्हें ख़बर मिली कि अबू सुफियान जो है वो तो साहिली रास्ते से, बहर अहमर के रास्ते से वो मक्का की तरफ चला गया है, और अब अबू जहल का काफ़िला जो है वो जंग के लिए निकला है। अच्छा, तो यहाँ पे मुसलमानों को जब पता चला कि अब तो हमें जंग के लिए निकलना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब यहाँ मुसलमानों से दोबारा मुशावरत की, मशवरा किया कि अब तो अबू सुफियान का काफ़िला जा चुका है, अब हमें अबू जहल के साथ मुकाबला करना है, और पैगाम अबू जहल ने भिजवाया कि बदर के मैदान में अब हमारा मुकाबला होगा। तो जब मुसलमानों को ये ख़बर मिली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, तो इस बारे में फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि मुसलमान तो निकले थे कि अबू सुफियान का तिजारत काफ़िला लूट लें, वो इस गर्ज़ से निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक बाकायदा मकसद के तहत निकाला। अल्लाह ताला चाहते थे कि वो सिर्फ काफ़िला ना लूटें बल्कि बाकायदा उनकी अब जंग की जाए। मक्का में जब मुसलमानों पर जुल्म किए जाते थे तो मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमें भी इजाज़त दे कि हम भी इनसे जंग करें, मुकाबला करें, तो उन्हें मक्का में रहते हुए कभी भी जंग की इजाज़त नहीं दी गई। जब मदीना आए, अब इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ, और अल्लाह ताला भी चाहते थे कि मुसलमानों का दुनिया में नाम हो और काफिरों से इनका बाकायदा जंग हो, मुकाबला हो, और तब इनको फतह नसीब हो, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। और इस आयत में फरमाया कि वइन्ना फरीकम मिनल मुमिनीना लकारिहून, बेशक एक ग्रोह ऐसा था जो इसे नापसंद करता था। नापसंद इस तरह कर रहा था कि जब उन्होंने देखा कि अब तो हम तो तिजारती काफ़िले को लूटने की गर्ज़ से निकले थे, हमारा तो जंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्हें रास्ते में पता चला सफ़रा के मकाम पर कि अब तो हमें बाकायदा अबू जहल के लश्कर के साथ जंग करनी है, तो वो इस चीज़ को कुछ लोगों ने वहाँ पर नापसंद किया कि हम लोगों, क्योंकि ज़ाहरी हालात भी उनके ख़िलाफ़ थे, उन्हें पता चला कि हमारे पास ना इतना असलाह है ना हमारी तादाद भी कम है, तो हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 6 में, युजादिलूनक फिल हक़्क़ी, कि वो आपसे झगड़ा कर रहे थे हक़ के बारे में, बादा मा तबय्यना, जो कि ज़ाहिर हो गया, कअन्नमा, जैसा कि युसाकूना, वो धकेले जा रहे थे, इलल मौती, मौत की तरफ, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को जब बताया कि अब आपको काफ़िला नहीं लूटना, क्योंकि अबू सुफियान का काफ़िला तो जा चुका मक्का की तरफ, अब आपको बाकायदा बदर के मैदान में जाना है और कुफार से मुकाबला करना है, जंग करनी है, तो उन्हें उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कोई मौत की तरफ धकेल रहा है, धक्के दे के उन्हें मौत की तरफ उनको कोई धकेला जा रहा है। व इज़ यईदुकुमुल्लाहु अहद तौइफ़तैनी, जबकि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर लिया कि दोनों में से एक ग्रोह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने पहले ही वादा कर लिया था कि दोनों में से एक ग्रोह आपको ज़रूर मिलेगा। अन्नहा, बेशक लकुम, तुम्हारे लिए, व तवद्दूना, और तुम चाहते हो, अन्ना गैर ज़ात शौकत, के तुम्हें बग़ैर असले का मिल जाए, तकून लकुम, हो जाए तुम्हारे लिए। वयुरीदुल्लाहु, और अल्लाह ताला चाहता है, यूँ हक कल हक का, के हक को हक साबित कर दे, बिकलिमाती ही, अपनी बातों के साथ, वयकता, और काट दे, दाबिर जर अल काफिरीन, काफिरों की। यानी मुसलमान तो ये चाहते थे कि वो अबू सुफियान का काफ़िला जाके लूट लें, लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वादा कर दिया था कि दोनों काफ़िलों में से एक काफ़िला जो है वो आपको मिलेगा। यानी यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों की बात हो रही है, तो दो ग्रोहों से क्या मुराद है, एक अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला और दूसरा अबू जहल का जंगी लश्कर। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर दिया था कि एक तो आपको ज़रूर मिलेगी, एक इन दोनों में से एक चीज़। तो जो जितने भी मुसलमान थे वो क्या चाह रहे थे कि हमें अबू सुफियान के काफ़िला ही मिल जाए, क्योंकि उसमें हमें माल भी मिलेगा और जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि नहीं, अब मुसलमानों का बाकायदा मुकाबला हो और ये काफिर इनसे हार जाएं, ताकि इनकी जड़ काट दी जाए और हक साबित हो जाए। लियो हक्कल हक़ वयुबतिल बातिल वलो करिहल मुजरिमून, अल्लाह ताला चाहते थे कि हक साबित हो जाए और बातिल जो है वो, और जबकि अक्सर जो थे लोग इसको मुजरिम जो है वो नापसंद करें। इस तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह ताला ने कबूल की तुम्हारी दुआ, अन्नी, बेशक मैं, मुमिद्दुकुम, तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, बे अल्फ़ मिनल मलाइकति मुर्तफीन, 1,000 फरिश्तों के साथ जो लगातार आने वाले हैं।
यानी जब मुसलमानों को एहसास हुआ कि अब हमारी तादाद भी कम है, हमारे पास इतना असला भी नहीं है, तो हम कैसे जंग करें, तो अल्लाह ताला ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब रो रो कर दुआएं की कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें, हम तो आपके रास्ते में निकले हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करें। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए और उनकी मदद का वादा फरमाया और फरमाया कि कुफार का लश्कर 1,000 है, तो मैं भी तुम्हारी 1,000 फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाऊँगा। वमा जअलल्लाहु, और नहीं किया बनाया उसको अल्लाह ने, इल्ला बुशरा मगर खुशखबरी, वली तत्मइन्ना, और ताकि मुतमइन हो जाएं भी साथ इसके कुलूबुकुम, दिल तुम्हारे। वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद सिर्फ़ अल्लाह के पास से है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, जब ये फिर बाकायदा जंग हुई और इस जंग में फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की 1,000 फरिश्तों के ज़रिए मदद की, और अगली आयत में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने और किस किस तरह मुसलमानों की जंग में मदद की, और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतायाब किया इस जंग में। कुल जो थे मुसलमानों के 14 सहाबा कराम शहीद हुए, और जबकि 70 काफिर मारे गए, और 70 उनके बड़े सरदार जो हैं वो कैदी बना दिए गए, और जो है मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की।